हेलो गाइस, मेरे किचन में आपका स्वागत है। तो मैं हाजिर हूँ फिर एक नई रेसिपी के साथ। मैं अपनी रेसिपी में जिस फल का इस्तेमाल करने वाली हूँ वो अनेकों गुणों का भंडार है। इस फल में आयरन, पोटेशियम, विटामिन B6, विटामिन B और 25% शुगर होता है। तो मैं बात कर रही हूँ केले की। आज की रेसिपी हमारी केले से बनने वाली है। वैसे तो बच्चे फल खाने में आनाकानी करते हैं, पर उन्हें उनकी मनपसंद किसी रेसिपी में डालकर खिला दिया जाए तो वो शौक से खा लेते हैं। तो फिर चलिए आज की रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। आज हम बनाने वाले हैं केले से मालपुए। इस रेसिपी के लिए हम इस्तेमाल करने वाले हैं 1 कटोरी सूजी जो हमने बारीक वाली ली है, 1 कटोरी गेहूँ का आटा और 1 कटोरी बूरा और 4 चम्मच होममेड मलाई। आपके घर बूरा नहीं हो तो आप चीनी को मिक्सर जार में पीस कर ले सकते हैं। 1/2 चम्मच इलायची पाउडर, 1/2 चम्मच दालचीनी पाउडर और ड्राई फ्रूट में 8-10 बादाम और थोड़े से किशमिश और पानी। पानी का इस्तेमाल हम आवश्यकता अनुसार करेंगे। इस रेसिपी के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है केले। हमने 2 केले लिए हैं, तो चलिए हम इन केलों को छीलकर काट लेते हैं। हमने केलों को काट लिया है और मिक्सर जार में डाल लिया है। इसमें मलाई डाल लेंगे और अब हम इन केलों का फाइन पेस्ट बना लेंगे। तो देखिए, हमने केलों का पेस्ट बना लिया है। हमने एक खाली बर्तन ले लिया है। हमने जो केले का पेस्ट बनाया था वो इसमें डाल लेंगे। केले के पेस्ट को हमने डाल लिया है। हम इसमें सूजी और आटा डालकर 1 चम्मच से धीरे धीरे मिक्स करेंगे। तो देखिए, हमारा मिश्रण मिक्स हो गया है, पर ये बहुत थिक है इसलिए हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी मिक्स करेंगे। पहले मैं इसमें 2 चम्मच पानी डालकर इसे मिक्स करूंगी। हमने जो पानी डाला था वो मिक्स हो गया है। अब हम इसमें थोड़ी थोड़ी बूरा डालकर मिक्स करेंगे। तो फिर चलिए हम बूरा को डालकर मिक्स कर लेते हैं। हमने बूरा को मिक्स कर लिया है, तो अब हम इसे 15 मिनट के लिए ढककर रख देते हैं। 15 मिनट हो गए हैं, तो अब हम इसे देख लेते हैं। तो देखिए, हमारा बैटर अच्छे से फूल गया है। हमारा बैटर काफ़ी थिक लग रहा है। अब हम इसमें आवश्यकता अनुसार थोड़ा थोड़ा पानी डालकर मिक्स कर लेंगे। पानी थोड़ा थोड़ा ही कर डालें, नहीं तो बैटर पतला हो जाएगा। तो देखिए, हमारा बैटर अच्छे से तैयार हो गया है। बैटर इतना रनिंग ही रखें। अब हम इसमें इलायची पाउडर, दालचीनी पाउडर और किशमिश डालकर मिक्स कर देंगे। हमने जो बादाम लिए थे उन्हें काट कर रख लेंगे, ये हमारे गार्निश के काम आएंगे। तो देखिए, हमने गैस पर कढ़ाई को चढ़ा दिया है और हमारी कढ़ाई गर्म हो गई है। तो अब हम कढ़ाई में ऑयल को डाल देंगे। हमने कढ़ाई में ऑयल को डाल दिया है। हमारा ऑयल गर्म हो गया है। अब हम आंच को धीमा कर देंगे। ऑयल में चमचे से भरकर बैटर को डाल देंगे। ऑयल में डालने के बाद इसे टच ना करें, ये अपने आप शेप ले लेगा और ऑयल में अपने आप उभर कर ऊपर आ जाएगा। तो देखिए, हमारा मालपुए एक साइड से सिक गया है। अब हम इसे पलट देंगे।
मालपुआ दूसरी साइड से भी सिक गया है, अब हम इसे निकाल लेंगे। इसी तरह से हम दूसरा मालपुआ बना लेंगे। देखिए हमने चमचे में बैटर लेकर इसमें डाल दिया है, मालपुए ने अपना शेप ले लिया है। इसी तरह से हम सारे मालपुए बनाकर तैयार कर लेंगे। हमने सारे मालपुओं को सेक कर ट्रे में लगा लिया है। मालपुओं को हम कटे हुए बादाम से गार्निश कर देंगे। मैंने दो साइज के मालपुए बनाए हैं, छोटे और बड़े। छोटे मैंने बच्चों के लिए बनाए हैं, बड़े बड़ों के लिए। मालपुए आप अपनी मनचाही शेप में बना सकते हैं। तो देखिए हमारे मालपुए बनकर रेडी हैं, कितने अच्छे लग रहे हैं। अगर आपको हमारी ये मालपुए की रेसिपी अच्छी लगी हो तो हमारी रेसिपी को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। जय हिंद, जय भारत।